हृदय भोलेनाथ, हृदय वाह भोलेनाथ वाह दयाम्बाड़े पानी गिराए दिला, पानी बरसाए दिला भोलेनाथ। कर मैं जयर मेरे YouTube चैनल जेके जसपुरा छोरा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी करीबन मैं जसपुर से 15 किलोमीटर दूर में आया हूँ, जिसका गांव कौन सा है, झोलगा में आया हूँ। और यहाँ पर हमारी प्यारी दीदी सरस्वती कुमारी जी गाते हैं गाना, मैं सुना था YouTube में, देखा था। आज मैं इनका घर में आया हूँ और इनसे हम गाना जो भी अभी सुने इन्हीं का गाना था। और इनका भी YouTube चैनल है, YouTube चैनल कौन सा है, सुश्री सरस्वती कुमारी जी। इनका भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर ये बहुत बेहतरीन गाना गाती है। आप एक बार इनका चैनल में जाइए और इनका गाना एक बार सुन के देखिए, हम आपको पूरा कंटिन्यू वीडियो दिखाते हैं। प्यार बहुत करते हैं तुमसे। दिव्यांग बच्ची है, इन्होंने पढ़ाई भी पहले करती थी, अभी तो उनकी बीमारी के चलते स्कूल से निकाल दिया गया है। मतलब आँख से ही नहीं देखती, आँख से तो नहीं देखती है, लेकिन इनका बीमारी जो है मिर्गी टाइप का हो गया है, तो मिर्गी के कारण को स्कूल से भी निकाल दिया गया। ये पढ़ रही थी रायपुर में इनका मिर्गी का बीमारी हो गया, वहाँ से स्कूल से निकाल दिया गया। क्या बोल के निकाल देंगे, वहाँ जो बच्ची को कॉम्पिटिशन किए थे गाना में, तो बच्ची वहाँ से सिलेक्ट हो गई थी वृंदावन जाने के लिए। तो बच्ची उसी दिन से बच्ची को इतना खुशी हुई और सुबह ब्रश करने गई और उसी टाइम में बच्ची बाथरूम में गिर गई। उसी दिन से ये बीमारी का लक्षण हो गया। कितना साल पहले के बाद है ये, पहले 4-5 साल के बाद, 4-5 साल जी। हाँ बचपन से ही गाती है ये बच्ची, यहाँ जसपुर जिला में भी टॉप गाई थी, बोकारो में गाई थी, फिर दिल्ली भी गई थी, दिल्ली से वहाँ नेशनल बाल भवन से भी वहाँ सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा बीमारी के चलते थोड़ा परेशान है हम लोग, वो बीमारी कहीं भी अगर खत्म हो जाता तो बच्ची तो गाती ही है और गाती ही रहेगी। और गवर्नमेंट की ओर से कुछ सुविधा मिल पा रहा है? हाँ पेंशन मिल रहा है अभी, जो 350 रुपया करके वो मिल रहा है मंथली का। 350 रुपये हो जाएगी, और कुछ चाहिए? 350 में क्या होगा, 350 में तो कुछ नहीं होता है। अगर शासन का विषय योजना है तो आप मांग करने से मिल जाता तो बहुत अच्छा हम लोग को हो जाता। अभी हमारे विधायक जी हैं, उनको रखे थे अपना बात? अपना बात एक दिन गए थे, उसके बाद में नहीं जा पाए हैं, फिर जाएंगे। अभी तो आचार संहिता था, उसी टाइम मिलने के लिए गए थे, तो बोले हैं ठीक है बाद में मिलना सके। और एक गाना सुनेंगे सरस्वती भवन से, राम सीता चुमने राम रेखा हे मैना राम रेखा हरे दया राम रेखा धाम नीचे, राम सीता चुमने से नीचे यहाँ तो गारुण भगा वन निगारुण नि भगवान भगवान। गंगा स्नान करी चलो नि दर्शन करे, गंगा स्नान करी गंगा स्नान करी गंगा स्नान करी चलो नि दर्शन करे, मर तो भी तरे यहाँ देवता दर सने बुझो राम के दर्शन। तो उनका गाना इतना बेहतरीन लगता है ना, एक बार और सुने, अभी कंटिन्यू अभी चलेगा, आप इस वीडियो पे बने रहें और आप सुन। सवन में झिरकारी बदरी मंडराय चली, रिमझिमी पानी रे रिमझिमी पानी राय दिलाए, हृदय भोलेनाथ हृदय भोलेनाथ दयाम्बाड़े पानी गिराए दिला, पानी बरसाए दिला भोलेनाथ, हृदय भोलेनाथ दयाम्बाड़े। अच्छा लगा था कि आज हम लोग गाना सुनते हैं और यहाँ पे आके। तो फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारी बहन है सरस्वती कुमारी, इनका यूट्यूब चैनल भी है सुश्री सरस्वती कुमारी के नाम से, एक बार मैं लिंक डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर गाना सुन के सपोर्ट करें। तो विधायक हमें अपन अपने विधायक साहब के लिख देवा।
बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये गाने को कौन सिखाया है अपने से? हाँ, गाना तो हम लोग बनाते हैं, मैं ब्रेल में लिखती हूँ सब गाना को, हम लोग बनाते हैं, मैं मतलब पापा गाना बनाते हैं, मैं ब्रेल। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के झुलगा क्षेत्र में और हमारे साथ एक गेस्ट, स्पेशल गेस्ट हैं जो बचपन से देख नहीं पाती हैं और लेकिन गाना बहुत अच्छा गाती हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, सुश्री सरस्वती कुमारी करके, तो आपने आप जरूर चेक करें, इनका गाना सुने और कुछ गाना हमारे चैनल में भी आज सुनने को मिलेगा। सबसे पहले हम सरस्वती जी से गाना सुनेंगे। अरे जसपुर हृदय तसे हाय बारपुर, हाय दया जसपुर है हमार, ओ जसपुर हृदय तसे हाय बारपुर। जसपुर के सुंदर धाम, जसपुर के सुंदर धाम, जसपुर के सुंदर धाम, खुड़िया रानी करिया है, नमे खुड़िया रानी करिया है नाम। जसपुर के सुंदर धाम, खुड़िया रानी करिया है, नमे खुड़िया रानी करिया है नाम। ये सब जगह देख ले सुना रामा, जसपुर है हमार, ओ जसपुर देवी देवता से आए भरपूर। आवाज में दम है ना भाई साहब, तो सो प्लीज इनको सपोर्ट जरूर करिए सरस्वती जी को। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। इस वक्त है झुलगा में और हम लोग अभी जस्ट वहाँ का वीडियो कम्प्लीटली किए, एटलीस्ट मैं वीडियो में मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा कम हूँ क्योंकि कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए एक आदमी होना चाहिए। सरोज भी अभी बनाए हुए हैं, इन्हीं में अभी मेंशन होगा दोनों के साथ में, तो अभी बहुत कम आने वाला वीडियो क्योंकि कैमरा मैन एक होना चाहिए ना। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज हमें भी सपोर्ट करें, सरोज भैया को भी सपोर्ट करें और बच्ची को भी जरूर सपोर्ट करें दोस्तों। एटलीस्ट आँख से वो देख नहीं सकती है तो प्लीज बचपन से ये दुनिया में आज तक कभी नहीं देखी होगी दुनिया को, तो सो प्लीज उसको सपोर्ट करे। सरस्वती कुमारी, लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके उनको सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।